जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय सेना ने 30 नवंबर 2023 के लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने आपकी जो कार खरीदने की पॉलिसी थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो इस समय है हम हैं दोस्तों कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो पॉलिसी में बदलाव किया गया है इससे JCOs और OR के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 30 नवंबर 2023 के लिए ये जो लेटर है वो जारी किया गया है, और इस लेटर में उन्होंने क्या किया है दोस्तों, ये जो पॉलिसी है वो 1 फरवरी 2024 से जो है वो लागू होगी। ठीक, चलिए छोटी सी वीडियो है, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, अगर आपका पे लेवल 3 से 5 है, सिंपल शब्दों में कहें आप अगर हवलदार या हवलदार से नीचे के रैंक पे हैं, तो आप 8 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। और पहले ये जो इंटाइटलमेंट था वो था 2 कार्स का, यानी कि आप एक सर्विस के दौरान और एक आफ्टर रिटायरमेंट आप केवल 2 कार ही अपनी लाइफ में खरीद सकते थे, जिनको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 4 कार्स। ठीक है, तो फर्स्ट कार आप खरीद सकते हैं अपनी सर्विस के 5 साल के बाद में, और सेकेंड कार आप खरीद सकते हैं 8 ईयर्स के गैप पे, तो आप 4 कार जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, JCOs के केस में दोस्तों क्या होता था पहले कि एक कार तो वो खरीद सकते थे OR रैंक में, दूसरी कार खरीद सकते थे JCOs बनने के बाद में, लेकिन वो गैप जो है वो 8 साल का होना जरूरी था। तीसरी कार वो खरीद सकते थे आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये केवल अपने लाइफ में उस समय 3 कार खरीद सकते थे, जिसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है 5। ठीक है, एलिजिबिलिटी वही है कि फर्स्ट कार आप सर्विस के 5 साल बाद खरीदेंगे, बाकी जो कारें आप खरीदेंगे बची हुई 4 उनमें 8 साल का गैप होना जरूरी है। ठीक, जैसे एक कार आपने अगर आज खरीदी है तो अगली कार आप जो है वो 8 साल के बाद ही खरीद पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जोड़ी गई है दोस्तों कि अगर दोस्तों आप EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपकी लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए और बढ़ जाएगी, यानी कि OR हैं आप तो आप 8 और 5 13 लाख की कार खरीद सकते हैं EV, और आप JCO हैं तो आप 10 और 5 15 लाख की कार खरीद सकते हैं। एक चीज इसमें दोस्तों और जोड़ी गई है इस बार कि अगर आप, जैसे कि आप जानते हैं कि कार खरीदने के लिए, मैंने पहले भी बताया इस लेटर में भी लिखा हुआ है कि 8 साल का गैप होना जरूरी है एक कार से दूसरी कार को खरीदने में, लेकिन अगर आप EV कार फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं तो आप पेट्रोल डीजल की कार खरीदने के बाद में जो आप सेकेंड या थर्ड कार खरीदेंगे तो उसमें 6 ईयर के गैप में ही आप EV कार खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।